परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसका 9 में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन का पालन करने से। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस सप्ताह हम सभी युवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए आपके निकटता में आ पाते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए कि हम एक मन एक चित होकर स्तुति और महिमा करते हुए वचन रूपी आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सके। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आज हम कंफर्मेशन यानी कि दृढ़ीकरण के बारे में हम देखेंगे। रोमन कैथोलिक की कलीसिया 7 सैक्रामेंटों पर विश्वास करते हैं। उसमें पहला बैप्टिज्म यानी कि बपतिस्मा, दूसरा यूकरिस्ट यानी कि पवित्र प्रभु भोज, तीसरा सैक्रामेंट ऑफ पेनेंस यानी कि पाप स्वीकार, चौथा नंबर कंफर्मेशन यानी दृढ़ीकरण, पांचवा होली ऑर्डर यानी कि पवित्र अभिषेक डीकन पुरोहित, छठवां मैरिज विवाह और सातवां एनॉइंटिंग ऑफ द सिक बीमारों पर तेल मलकर प्रार्थना करना। रोमन कैथोलिक कलीसिया में ये 7 सैक्रामेंट पर वो विश्वास करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं। हम जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया के लोग हैं, हम में भी जो 5 सैक्रामेंट, उसमें विशेष रूप से 2 सैक्रामेंट जो है पवित्र बपतिस्मा और पवित्र प्रभु भोज, उसे मुख्य रूप से हम देखते हैं। लेकिन ये मैंने जैसा कहा कि 5 पर हम जो प्रोटेस्टेंट की कलीसिया है उस पर वो विश्वास करते हैं, बैप्टिज्म, पवित्र यूकरिस्ट, कंफर्मेशन, होली ऑर्डर यानी कि अभिषेक और पवित्र विवाह। और जैसे शुरू में मैंने कहा कि प्रोटेस्टेंट कलीसिया इसमें विशेष पवित्र बपतिस्मा और पवित्र प्रभु भोज को मानते हैं विशेष सैक्रामेंट के रूप में, बड़े सैक्रामेंट के रूप में। और आज हम कंफर्मेशन के बारे में देखेंगे, या एक विशेष सैक्रामेंट या संस्कार है इसकी भी हम जानकारी हम लें और उसकी जानकारी रखें, क्योंकि हर एक मसीही जीवन में ये विशेष मायने रखता है। कंफर्मेशन यानी कि दृढ़ीकरण, ये जो शब्द है इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है, इसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। कंफर्मेशन दृढ़ीकरण, इसका अर्थ है कि जो बपतिस्मा पाया हुआ इंसान या व्यक्ति जब वो दृढ़ीकरण के लिए तैयारी करता है, दृढ़ीकरण लेने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है, वो बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में वह मजबूत रिश्ता को स्थापित करता है। कंफर्मेशन उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में एक मजबूत रिश्ता को प्रदान करता है, और वह व्यक्ति जो कंफर्मेशन लेने पर है यह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त उसे उसके दानों से परिपूर्ण करता है और करेगा। उसके 7 दान के विषय में जानते हैं, उसके 7 दान के विषय में हम जानते हैं और उसे अब देखने का प्रयास करेंगे। और वह व्यक्ति
यह विश्वास करता है प्रभु यीशु क्रिस्त उसे सात दान प्रदान करता है या करेगा। और सात दान हम देखेंगे, सबसे पहला बुद्धि, दूसरा समझ, तीसरा विचार, चौथा आत्मिक शक्ति, पांचवा ज्ञान, छठवां धार्मिकता और सातवां ईश्वर का डर। मैंने शुरू में जैसे कहा कि वो व्यक्ति ये विश्वास करता है ये दान प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा इस संस्कार के कन्फर्मेशन दृढ़ीकरण संस्कार के माध्यम से उसे प्राप्त होती है। और ये सत्य है, ये सच भी है, ये संस्कार कन्फर्मेशन दृढ़ीकरण के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त उस व्यक्ति को इन दानों से परिपूर्ण करता है और वो व्यक्ति इन दानों की प्राप्ति के लिए यीशु के साथ वो संगति करता है, यीशु पर विश्वास करता है कि वो दान उसको प्राप्त हो और जिसके द्वारा से वह अपने जीवन को यीशु क्रिस्त के आदेशों के अनुकूल निर्वाह कर सके। और जब वो व्यक्ति जो अपने आप को कंफर्मेशन के लिए दृढ़ीकरण के लिए तैयार करता है, उसकी तैयारी जो है वो गंभीरता पूर्वक होती है। और उसकी एक विशेष तैयारी के रूप में वह अपने आप को समर्पित करता है। इस कंफर्मेशन के बारे में बाइबल क्या बतलाती है उसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला कुरिन्थ उसका पहला अध्याय उसके 7 और 8 पद में यूं लिखा है, उसे हम देखेंगे। यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। जैसे शुरू में हमने देखा कि ये प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर से ये दान उस व्यक्ति को जो दृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए जो जाता है संपूर्ण तैयारी के साथ, यीशु के द्वारा उसको वो दान प्राप्त होती है। और एक विशेष बात यह है कि पवित्र बपतिस्मा के समय जब उसकी बपतिस्मा, जब वो बालक था उस समय जब उसकी बपतिस्मा हुई और उसके बपतिस्मा के समय उनके माता पिता और धर्म माता पिता उनके लिए जो प्रतिज्ञाएं की है, और यह समय है दृढ़ीकरण के समय, वह जो उसके लिए प्रतिज्ञाएं की गई इस कंफर्मेशन के माध्यम से उन प्रतिज्ञाओं को वो याद करता है, वो दृढ़ आता है। और दूसरी बात यह है, इस कंफर्मेशन के माध्यम से दृढ़ीकरण के माध्यम से वह कलीसिया का पूर्ण सदस्यता ग्रहण करता है। सबसे विशेष बात यह है कि इस संस्कार के माध्यम से वह पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करता है।
और यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 15 से 17 पद में यदि देखेंगे, मैंने जब शुरू में कहा कि इस संस्कार के माध्यम से वह पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करता है, और जब इस दान को वो प्राप्त करता है तो उसका जीवन जो है संपूर्ण रीति से बदल जाता है। जैसे शुरू में मैंने कहा कि इस संस्कार के माध्यम से वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को मजबूत करता है। अब वह बालक नहीं, अब वह बच्चा नहीं, अब वो दूध पीने वाला बालक नहीं, परंतु एक ठोस आहार लेने वाला व्यक्ति के रूप में वो जाना जाता है। ठोस आहार मतलब परमेश्वर के जीवित वचनों में आगे बढ़ना, परमेश्वर के जीवित वचनों को अपने मनों में रखना, परमेश्वर के जीवित वचनों को हमेशा वो अपने जीवन में पढ़ने के लिए, उसे मनन करने के लिए याद रखना। अब वह दूध पीने वाला बालक नहीं, बच्चा नहीं, परंतु एक ठोस आहार यानी कि परमेश्वर के जीवित वचनों को समझने का, उसका अनुसरण करने का ज्ञान उसको प्राप्त होती है और उसमें वो आगे बढ़ता है। जब वह पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त करता है तो उसके जीवन में परमेश्वर की जो आदेश है, उसकी आज्ञाएं जो है वो क्रियाशील होते हैं। यूहन्ना 14 उसका 15 से 17 पद में यदि हम देखेंगे, वहां लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा। जब इंसान संस्कार के माध्यम से उन 7 दानों को अपने जीवन में जब महसूस करता है, जब वो रिसीव करता है, तो उसका जीवन संपूर्ण रीति से बदल जाता है। और जब बदलता है तो इसमें हम जो 15 वचन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 उसका 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसकी आज्ञाएं क्या है? यीशु क्रिस्त के 2 मुख्य आज्ञाएं हम सब मनुष्यों के लिए उसने दी है, जिसको आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 29 से आगे के पदों में जब हम देखेंगे, वहां की 2 विशेष आदेश आज्ञाएं हम मनुष्य जाति को प्राप्त है। इसलिए उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसकी 2 विशेष आज्ञाएं हैं, तू अपने परमेश्वर से अपना संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। ये दृढ़ीकरण या कंफर्मेशन उस आत्मा के दानों के द्वारा उस इंसान को ये ज्ञान प्रदान करता है कि वह उस परमेश्वर से, उस यीशु क्रिस्त से प्रेम करे। और जब वह प्रेम करेगा तो उसके आदेशों को मानेगा, जिसके बारे में अभी हमने सुना, उसके जो मुख्य 2 आदेश हैं
उसके जीवन में क्रियाशील होंगे और वह उसका अनुपालन करेगा। और एक विशेष बात मुझे ये कहनी है और वह यह है, कंफर्मेशन दृढ़ीकरण के माध्यम से वह व्यक्ति प्रभु भोज में संभागी होने का अधिकार को प्राप्त करता है। मैं इसको दोबारा कह दूं, कंफर्मेशन या दृढ़ीकरण के माध्यम से वह व्यक्ति पवित्र प्रभु भोज में संभागी होने का अधिकार प्राप्त करता है। और पवित्र प्रभु भोज प्रत्येक विश्वासियों के लिए बहुत ही विशेष है और महत्वपूर्ण है। पवित्र प्रभु भोज प्रत्येक मसीही विश्वासियों के लिए जो बपतिस्मा पाया हुआ है और जो दृढ़ीकरण प्राप्त किया है उसके जीवन के लिए ये पवित्र प्रभु भोज बहुत विशेष है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 54 पद में लिखा है, जो मेरा देह खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। जो शुरू में मैंने कहा कि पवित्र दृढ़ीकरण के माध्यम से उस व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह पवित्र यूकरिस्ट पवित्र प्रभु भोज में सम्मिलित हो, और पवित्र यूकरिस्ट पवित्र प्रभु भोज एक विश्वासी के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए उसने प्रतिज्ञा की है, जो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू को पीता है अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रिय, इसलिए ये पवित्र दृढ़ीकरण, मैंने कहा कि जो सैक्रामेंट हम जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया के जो विश्वासी हैं 5 सैक्रामेंटों पर विश्वास करते हैं और उसमें विशेष बपतिस्मा और प्रभु भोज, लेकिन मैं ये कहूंगा ये कन्फर्मेशन जो प्रभु भोज में सम्मिलित होने का अधिकार जो हमें प्रदान करता है, ये कन्फर्मेशन भी एक विशेष सैक्रामेंट है जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। इसके द्वारा से हम उसके पवित्र यूकरिस्ट पवित्र प्रभु भोज उसके देह और लहू को प्राप्त करने के लिए, उसके पवित्र यूकरिस्ट में संभागी होने के लिए एक विशेष माध्यम है ये कन्फर्मेशन संस्कार या पवित्र कन्फर्मेशन पवित्र दृढ़ीकरण का संस्कार। और जब हम इसकी तैयारी करते हैं, इसकी तैयारी हमें विशेष रूप से करने की जरूरत है, पर आजकल हम इस प्रकार नहीं करते हैं। आप यदि हमारे डायसिस के बारे में देखेंगे, करीब इसके लिए 3 महीना कोई कोई पैरिश में 6 महीने का क्लास होता है इसके लिए कि पवित्र दृढ़ीकरण प्राप्त करने वाला व्यक्ति संपूर्ण रीति से परमेश्वर के जीवित वचनों को और पवित्र दृढ़ीकरण का जो अर्थ है उसके बारे में वो जाने। कहीं 6 महीना, कहीं 3 महीना, कहीं 2 महीना, कहीं 1 महीना। और मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। और इस पवित्र दृढ़ीकरण में प्रवेश करने के पहले हमें तैयारी की जरूरत है, उस पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए जो हम
तैयार करते हैं, हमें संपूर्ण रीति से उस यीशु को, उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसे अपने जीवन में स्थान देने के द्वारा इसकी तैयारी करें। और साथ ही साथ जब हम प्रभु भोज के लिए जाते हैं, उसके लिए भी अपने मनों की तैयारी की जरूरत है। इसे बहुत हल्काई से ना लें। ये जितने भी संस्कार जो हमारे कलीसिया में हम सबों के लिए ठहराई गई है, हम मसीही विश्वासियों के लिए ये विशेष है, इसे हम कभी हल्काई से ना लें, परंतु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा इन संस्कारों में हम प्रवेश करें। इन संस्कारों में प्रवेश करने के पहले अपने आप को, अपने जीवन, अपने हृदय को हम तैयार करें, जिससे कि यह जो पवित्र सैक्रमेंट है हमारे जीवन में बहुत सारे फलों को लाए, और साथ ही साथ परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन में ले आए। क्योंकि उसकी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा यदि आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर रूप से है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय 2-3 पद में लिखा है, तेरा सृष्टिकर्ता प्रभु यूं कहता है, मैं तेरे वंशजों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तेरी संतान पर अपनी आशीष की वर्षा करूंगा। और इसके लिए हम अपने जीवन, अपने हृदय को तैयारी करने की जरूरत है। बिना तैयारी का हम इस विशेष सैक्रमेंट में हम प्रवेश ना लें, हम इस सैक्रमेंट में सम्मिलित ना हो अपने आप में। ये बहुत ही हल्काई से ना लें, परंतु इसको अपने जीवन में विशेष स्थान देने के द्वारा इसकी आप तैयारी करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर से दिन के लिए। सचमुच में हम छोटा नागपुर डायसिस होकर, उत्तर भारत की कलीसिया होकर, हम युवा प्रभुवार मना पाते हैं। और निश्चय परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम सौंपें, परमेश्वर के नज़दीक जाएं, परमेश्वर की ओर अपनी आँखों को लगाएं और हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु, तूने पिता परमेश्वर हम सबों को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा है। इस बिगड़ परिस्थिति में पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला है, जबकि पिता परमेश्वर पूरा देश, पूरा संसार पिता परमेश्वर COVID-19 की महामारी से पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता डर को समाया है पिता, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। तूने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सचमुच में पिता परमेश्वर तूने हमारे जीवन में पिता अगुवाई को दिया है, अगुवा रह कर पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई की है पिता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। विशेषकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज पिता परमेश्वर, हम युवा होकर पिता कलीसिया में पिता परमेश्वर युवा प्रभुवार मनाते हैं पिता, उसके लिए पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम अपने युवा भाइयों के लिए, बहनों के लिए पिता परमेश्वर, उनके आत्मिक जीवन के लिए पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पिता वो तुझ में पिता परमेश्वर बढ़ने वाले होने पाए पिता। और जो कुछ भी पिता परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा पिता करते हैं पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों पर पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई होने पाए, उनके आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर उन्नति को पिता परमेश्वर प्राप्त करने पाएँ। साथ ही साथ पिता परमेश्वर हम DCYM के अगुओं को भी पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो पिता परमेश्वर तूने उनके कांधों में पिता परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारियों को दिया है पिता, अनिश्चय पिता परमेश्वर तू उनके जीवन में पिता परमेश्वर अगुवाई और सहायता कीजिए, उन्हें पिता परमेश्वर बुद्धि और समझ की शक्ति दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके अगुवाई में पिता परमेश्वर या संस्था को पिता सही रीति से पिता परमेश्वर चलाने वाले हो सकें। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर हम छोटा नागपुर डायसिस के जितने भी यूथ्स हैं सभी लोगों को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को भी पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो ही पिता परमेश्वर सहायता और मदद और अगुवाई और सहायता कीजिए, हर एक पल पिता परमेश्वर तू ही उनका आड़ और ढाल बन, ताकि पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में पिता अपने जीवन को पिता परमेश्वर तुझे पिता अर्पण करने पाएँ। साथ ही साथ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पढ़ रहे हैं यूथ हैं,
पिता सबों को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो ही पिता परमेश्वर अगुवाई सहायता कीजिए उनके जीवन में पिता परमेश्वर, पढ़ाई के क्षेत्रों में पिता तू ही सहायता और मदद कर, अच्छा प्रतिफल को पिता परमेश्वर प्राप्त करने पाए। जितने लोग पिता कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं पिता तू ही पिता परमेश्वर उनकी सहायता और मदद कीजिए उनके कंपटीशंस के क्षेत्रों में पिता, तूने तू ही पिता परमेश्वर अव्वल दर्जा दीजिए। और जिनको पिता परमेश्वर नौकरी की आशीष चाहिए पिता, उन्हें भी पिता परमेश्वर नौकरी की आशीष को पिता परमेश्वर दीजिए पिता। और सबों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर तुझसे कामना करते हैं पिता, दुआ करते हैं पिता, सबों को सुरक्षित रखिए पिता इस समय पिता, जबकि पिता पूरा देश पिता परमेश्वर परेशान है बीमारी से तकलीफ से पिता, हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर तू हम जवानों को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखिए। अपने वचन में कहा है पिता अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। निश्चय पिता परमेश्वर तू हम सबों को देखता है, हर एक चिंताओं को पिता परमेश्वर तू जानता है पिता, सबों को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। साथ ही साथ पिता परमेश्वर हम अच्छे जीवन साथी के लिए भी पिता परमेश्वर दुआ करते हैं, जिन्होंने पिता अपने कदमों को पिता परमेश्वर शादी के लिए पिता बढ़ाया है पिता परमेश्वर तू उनके साथ रहिए उनके जीवन में पिता परमेश्वर, अच्छा जीवन साथी को पिता परमेश्वर प्रदान कीजिए और आपकी अगुवाई में पिता परमेश्वर वह परिवार पिता भला पूरा परिवार पिता परमेश्वर होने पाए। जैसा कि पिता वचन कहता है आदम का अकेला रहना उचित नहीं, निश्चय पिता परमेश्वर तूने आदम के लिए पिता एक हवा को पिता परमेश्वर दिया पिता। हाँ पिता परमेश्वर आज पिता जितने लोग पिता परमेश्वर मैरिज के लिए विवाह के लिए पिता परमेश्वर तैयार हो रहे हैं तू ही पिता परमेश्वर सहायता और मदद कीजिए पिता, तू उनके जीवन पिता परमेश्वर आशीष को दीजिए पिता। जबकि पिता परमेश्वर या आराधना में पिता परमेश्वर तूने हम सबों को पिता भिन्न भिन्न स्थानों में होकर पिता परमेश्वर ऑनलाइन माध्यम से पिता जुड़ने का अवसर दिया है पिता, उसके लिए पिता बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना आपके प्रिय बालक यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दया शून्य स्वर्ग राज में ग्रहण कर आमेन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है और उन पर क्षमा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज साम उतर महिमा अब सर्वदा तेरी ही है आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह ईश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ संग सर्वदा रहे आमीन। सब हमको ईश्वर सहाय।